किसी का मुंह ऐसा है कि उसके सामने अपना पराया कुछ भी नहीं दिखता। योगी सरकार के दो मंत्रियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर सपूतों के बलिदान से। लोकतंत्र के उत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ के विधान भवन के समक्ष आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं इस वीडियो में जो दो नेता कुर्सी के लिए लड़ते दिख रहे हैं, उनमें योगी सरकार के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा हैं और वर्तमान में अल्पसंख्यक विभाग संभाल रहे मंत्री दानिश अंसारी हैं। मौका रिपब्लिक डे का था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सभी बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में जब दानिश अंसारी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर बैठने पहुंचे, तभी दूसरी तरफ से मोहसिन रजा भी ठीक उसी जगह पर आ गए जहां दानिश लगभग बैठ ही चुके थे। मोहसिन रजा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और ढकेलते हुए दूसरे सोफे पर बैठने का इशारा कर दिया। अब इस तरह से कोई धक्का देने को कहे तो बुरा तो लगेगा ही। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इससे पहले दानिश अंसारी पल भर को असहज हुए, लेकिन तुरंत उन्होंने खुद को संभाल लिया और बगल के सोफे पर जाकर बैठ गए। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह की चर्चा हो रही है। एक सीनियर मेंबर होने के नाते मोहसिन रजा को थोड़ा बड़प्पन तो दिखाना चाहिए था और दानिश जहां बैठ रहे थे वहीं बैठ जाने देना चाहिए था। अब मोहसिन रजा की खूब किरकिरी हो रही है। बता दें कि मोहसिन रजा पिछली सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री थे। इस बार विभाग की जिम्मेदारी दानिश आजाद अंसारी को सौंप दी गई है। दानिश आजाद अंसारी पसमांदा समाज से आते हैं। पसमांदा समाज को बीजेपी इन दिनों साधने का दावा कर रही है। दानिश आजाद अंसारी का कद बढ़ाने के पीछे यही वजह है। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।